नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सीमेंस पीएलसी में टाइमर टॉपिक का पढ़ रहे थे, टाइमर टॉपिक का ये 8वां लेक्चर है। लेक्चर नंबर 4, 5, 6 में हमने एग्जांपल को सॉल्व कराया था, जिसमें मैंने बॉक्स टाइप इंस्ट्रक्शन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। लेक्चर नंबर 7 में मैंने क्वाइल टाइप टाइमर का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। लेक्चर नंबर 8 में भी हम क्वाइल टाइप टाइमर का यूज करेंगे, बट ये लेक्चर नंबर 8 हमारा और सिंगल वे ट्रैफिक लॉ पे बेस्ड है। ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि मैं इसमें टाइमर क्वाइल का यूज करूंगा, ताकि और आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाए कि आप टाइमर क्वाइल को कैसे यूज करोगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। उन सबका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप डेल्टा पीएलसी और एल एन ब्रेडली पीएलसी देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप देख के लिंक को गेट करके आप देख सकते हैं पूरे होल सीरीज को। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं सिमेटिक मैनेजर 5.6 वर्जन सॉफ्टवेयर पर, ये देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन को देख लेता हूं। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है, उस क्वेश्चन को आप कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। इससे पहले मैंने लेक्चर में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को सॉल्व किया था, इसके बाद मैं आज क्वेश्चन नंबर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 पे बेस्ड है, जो मैंने इसके प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कराया था। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 पे बेस क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा बेस क्वेश्चन नंबर 4 पे है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो टाइमर पीएलसी पे ही 20 लेक्चर बन जाएंगे, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं इन सभी क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा डेना क्रम से बोलिएगा, तब मैं जाके इसको सॉल्व करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 में है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करा देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 के कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कराता हूं। ये सिंगल वे ट्रैफिक लॉ का है, जैसे कि आज का हमारा यही टॉपिक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेवलप ए लेडर लॉजिक डायग्राम फॉर ए सिंगल वे ट्रैफिक लॉ व्हेन द एन पुश बटन देखिए प्रेस रेड लाइट ग्लो इमीडिएटली फॉर ए 20 सेकेंड, आफ्टर दैट येलो लाइट ग्लो फॉर ए 10 सेकेंड एंड गेट ऑफ, आफ्टर दैट ग्रीन लाइट ग्लो फॉर 15 सेकेंड एंड रिपीट द प्रोसेस अंटिल एनसी इज नॉट प्रेस्ड। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक लेडर लॉजिक डायग्राम डेवलप कीजिए सिंगल वे ट्रैफिक लॉ के लिए, जब एनो पुश बटन को प्रेस करते हैं उसी समय आपका रेड लाइट ग्लो हो जाता है। देखिए रेड लाइट ग्लो हो जाता है और रेड लाइट 20 सेकंड के लिए ग्लो होता है, 20 सेकंड रेड लाइट ग्लो होने के बाद 20 सेकंड के बाद रेड लाइट ऑफ हो जाता है और उसी मोमेंट हमारा येलो लाइट ग्लो। देखिए ट्रैफिक लॉ का ये रूल होता है कि एक साथ दो लाइट नहीं जल सकता है, मीन्स एक टाइम में एक ही लाइट जलेगा, या तो येलो जले या फिर ग्रीन जले या फिर रेड जले। तो देखिए जैसे ही रेड ऑफ होगा उसके बाद येलो लाइट ग्लो होगा, येलो लाइट ग्लो होगा फॉर 10 सेकंड के लिए, और जैसे ही येलो लाइट ऑफ होगा उसके बाद येलो लाइट के ऑफ होने के बाद ग्रीन लाइट जलता है 15 सेकंड के लिए, 10 आफ्टर 15 सेकंड के बाद ग्रीन लाइट ऑफ होता है और ये जो प्रोसेस है पूरा रिपीट होते रहता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। मेन सॉफ्टवेयर पाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप मेन इंटरफेस पे आ जाइए और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे ही एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे हमारा रेड लाइट ग्लो होना चाहिए था 20 सेकंड के लिए, यही हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि देखिए एनो पुश बटन को प्रेस करने से रेड लाइट ग्लो होता है इमीडिएटली फॉर 20 सेकंड के लिए। तो इसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं, इस नेटवर्क 1 को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक एनो पुश बटन जैसे बोला था, तो एनो पुश बटन को हम ले लेते हैं और यहाँ से एक क्वाइल को ऑन कराते हैं। तो देखिए मैं इसकी एडिटिंग कर देता हूँ, इनपुट को मैं i0.0 से स्टार्ट करता हूँ, यही स्टार्ट बटन है, और यहाँ पे मैं एक मेमोरी बिट को ऑन करूंगा m0.0, और एक मेमोरी बिट का इसलिए ऑन कराऊंगा क्योंकि इसी की हेल्प से मुझे रेड लाइट ग्रीन लाइट येलो लाइट जलाना है। अगर मैं यहाँ पे कोई अगर क्वाइल यूज कर लेता आउटपुट क्वाइल मीन्स q0.0 q0.1, तो फिर ये इसी को ऑफ करना होता है, तो फिर हमारा प्रोग्राम सही से नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए मैंने एक मेमोरी बिट का हेल्प ले लिया जो हमको कंटिन्यूअस सप्लाई देगा। तो यहीं से इसकी मैं होल्डिंग दे देता हूँ, होल्डिंग के लिए ओपन ब्रांच को सिलेक्ट कीजिए और एक एनओ को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको क्लोज ब्रांच से क्लोज कर दीजिए, और मैं इसकी होल्डिंग दे देता हूँ m0.0 और इंटरप्रेस कर देता हूँ। मैंने इसलिए इस नेटवर्क वन का यूज किया ताकि हमको कंटिन्यू सप्लाई मिले, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, इस क्वेश्चन में कौन सा टाइमर आप यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए
रेड लाइट तुरंत मोमेंट उसी मोमेंट ऑन हो जाता है, लेकिन 20 सेकंड के लिए ऑन होता है, 20 सेकंड के लिए ऑन होता है, मीन्स 20 सेकंड के बाद येलो लाइट ऑन होगा। तो मीन्स 20 सेकंड के बाद येलो लाइट ऑन होगा। तो ऐसे आपको पता चलता है कि हम यहाँ पे ऑन डिले टाइमर का यूज करेंगे, क्योंकि 20 सेकंड के बाद हमको दूसरा लाइट जलाना है, तो इसीलिए मैं ऑन डिले टाइमर का यूज करूंगा। और यहाँ पे मैं देखिए टाइमर ये हमारा, तो टाइमर में ये हमारा बॉक्स टाइप इंस्ट्रक्शन है, और ये सब जो एसपी एसी एसडी और एसएस और एसएफ है, ये क्वाइल टाइप टाइमर इंस्ट्रक्शन। तो मैं इनको हेल्प करके इस क्वेश्चन को बनाऊंगा, क्योंकि इसके प्रीवियस लेक्चर में भी मैं इसका यूज किया था, उसके प्रीवियस लेक्चर में मैं इन सबका यूज करके बता दिया हूँ कि बॉक्स टाइप इंस्ट्रक्शन का कैसे यूज करेंगे। आपको सभी इंस्ट्रक्शन का आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैं इसमें क्वाइल टाइप इंस्ट्रक्शन का यूज कर लेता हूँ। और मैं एक यहाँ से न्यू नेटवर्क सेलेक्ट कर लेता हूँ। न्यू नेटवर्क को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक नो पुश बटन ले लेता हूँ, और यहीं से मैं एक टाइमर यूज कर लूंगा। ये टाइमर ऑन डिले टाइमर होगा, तो आप एसपी को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए पल्स टाइमर क्वाइल है, आप एसी को सिलेक्ट कीजिए तो एक्सटेंडेड पल्स टाइमर क्वाइल है, और एसडी को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कमेंट लिख के आ जाएगा कि ऑन डिले टाइमर क्वाइल है, तो मुझको यही चाहिए। तो एसडी पे टू टाइम क्लिक करेंगे, ये आपके नेटवर्क में इंसर्ट हो जाएगा, और इसके मैं एड्रेसिंग दे देता हूँ। तो इसके एड्रेसिंग मैं M0.0 दे देता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इससे कंटिन्यू सप्लाई पाऊंगा, क्योंकि ये हमारा जब तक इनपुट को हाई रहेगा, जब तक हमारा इनपुट हाई रहेगा तब तक हमारा ऑन डिले टाइमर एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि इसके फीचर्स मैं लेक्चर नंबर 2 में भी बताया और इसके प्रीवियस लेक्चर सभी लेक्चर में बताते आया हूं, तो आपको आइडिया हो गया होगा। अब इसकी एड्रेसिंग करेंगे, देखिए इसकी एड्रेसिंग दो पूछ रहा है, एक टाइमर का नंबर पूछेगा और एक प्रीसेट का वैल्यू पूछेगा कि कितने समय तक ले चलाना चाहता है। तो ऊपर हमारा टाइमर का नंबर होता है, तो मैं T1 टाइमर यूज कर लेता, T1 टाइमर और इंटर प्रेस करूंगा, और यहाँ पे ये वैल्यू पूछ रहा है कि प्रीसेट वैल्यू के लिए कि कितने समय के लिए टाइमर चलाना चाहते हैं। तो हमारा रेड लाइट 20 सेकंड के लिए ऑन होना चाहते हैं, तो 20 सेकंड के लिए जलाएंगे, तो S5T शिफ्ट के साथ H सिंबल को प्रेस कीजिए, शिफ्ट के साथ H सिंबल को प्रेस कीजिए। इसके बाद हमारा 20 सेकंड के लिए चलाना है, तो 20 और सेकंड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ओके कर दीजिए। देखिए जैसे ही M0.0 हाई होगा, जैसे ही पुश बटन को प्रेस करके M0.0 हाई हो जाएगा, उसी समय हमारा टाइमर चलने लगेगा। और यहीं से मैं एक ओपन ब्रांच ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं एक क्वाइल को यूज कर लेता हूँ, और यहीं से मैं एक आउटपुट को ऑन कराऊंगा, ये Q0 ये हमारा जीरो होगा, और इसको इंटरप्रेस करने के यही हमारा Q0.0 ही हमारा रेड लाइट होगा। तो नेटवर्क टू में हमें कमेंट कर देता हूँ कि Q0.0 और इक्वल का साइन लगा कर मैं ये लिख देता हूँ कि यही हमारा रेड लाइट है, RED LIGHT. ये कमेंट कैसे देते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बिट लॉजिक इंस्ट्रक्शन पढ़ा था, तो उसमें भी बताया था, और इसको टू टाइम इंटरप्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा Q0.0 मैंने यूज किया है जो रेड लाइट, आपको आइडिया लगे। तो देखिए जैसे ही M0.0 प्रेस करेंगे, I0.0 को जैसे ही प्रेस करेंगे, M0.0 ऑन हो जाएगा। M0.0 के ऑन होने से ये हमारा टाइमर ऑन डिले टाइमर चलने लगेगा, 20 सेकंड के लिए चलेगा, 20 सेकंड के बाद ये T1 एक्टिव होगा। बट 20 सेकंड के बाद उसी मोमेंट देखिए M0.0 को ऑन होने से हमारा Q0.0 मीन्स रेड लाइट ऑन हो जाएगा, बट ये 20 सेकंड के लिए ही ऑन होना, तो इसलिए मैं इस T1 टाइमर का NC मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं T1 लिख देता हूँ सिंपली, और इंटर टू टाइम प्रेस कर देता हूँ, ये T1 टाइमर का एनसी यूज कर। जैसे ही हमारा ऑन डिले टाइमर 20 सेकंड के बाद ही हमारा टाइमर एक्टिवेट होगा, तो T1 का मैंने एनसी यूज किया है, तो जैसे ही टाइमर T1 एक्टिवेट होगा तो इसका एनसी NO में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा Q0.0 को ऑफ कर देगा। अब इसके बाद हम नेटवर्क 2 को सिलेक्ट करते हैं, और नेटवर्क 2 में हम येलो लाइट को ऑन कराएंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही बोल रहा है, क्वेश्चन को आप देखते रहिए, क्वेश्चन क्या बोला है कि जैसे ही 20 सेकंड रेड लाइट जलने के बाद येलो लाइट जले 10 सेकंड के लिए, देखिए आफ्टर दैट येलो लाइट ग्लो फॉर 10 सेकंड एंड गेट ऑफ। 10 सेकंड के लिए येलो लाइट जलना चाहिए जैसे ही रेड लाइट ऑफ होता है। तो देखिए ट्रैफिक लॉ में एक लाइट एक ही समय पर जलना चाहिए, तो रेड लाइट जैसे ही ऑफ होगा उसके बाद येलो लाइट जलना चाहिए। तो मैं नेटवर्क 2 को एज़ NO यूज कर लेता हूं, और यहां पे मैं इसकी एड्रेसिंग T1 दे देता हूं, T1 टाइमर से दे देता हूँ। क्यों मैंने T1 टाइमर यूज किया, जैसे कि 20 सेकंड के बाद ये हमारा टाइमर एक्टिवेट होगा तो ये रेड लाइट को ऑफ कर देगा और येलो लाइट को यहाँ से ग्लो कर देगा। येलो लाइट 10 सेकंड के लिए जलना चाहिए, तो अगेन मैं एक ऑन डिले टाइमर यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, और इसकी एड्रेसिंग में T2 टाइमर दे देता हूँ। यहाँ पे 2 टाइम क्लिक कीजिए और T2 टाइमर यूज कर लीजिए, T2 टाइमर, और इसकी एड्रेसिंग दे दीजिए, 2 टाइम इंटरप्रेस कीजिए। और इसकी देखिए प्रीसेट वैल्यू हम 10 सेकंड के लिए देंगे, क्योंकि येलो लाइट 10 सेकंड के लिए जलना चाहिए, तो S5T शिफ्ट के साथ H सिंबल को प्रेस कीजिए और 10S लिख दीजिए, मीन्स 10 सेकंड, और 2 टाइम इंटरप्रेस कर दीजिए। देखिए जैसे ही T1 हमारा हाई होगा, T1 टाइमर, तो यही समय एक ओपन ब्रांच यूज कर लेता हूँ, और यही समय एक आउटपुट क्वाइल यूज कर लेता हूँ, और इसकी एड्रेसिंग में Q0.1 यूज कर लेता हूँ, और Q0.1 को मैं
एज ए येलो लाइट बोलूंगा, तो क्यू जीरो डॉट वन को इक्वल का साइन लगा कर मैं ये बता देता हूँ कि येलो लाइट के लिए है, तो वाई ई येलो लाइट एल आई जी एच टी और टू टाइम इंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए हमारा ये टी टू टाइमर 10 सेकंड के लिए चलेगा, 10 सेकंड के बाद जैसे ही टी टू मीन्स टी वन टाइमर एक्टिवेट होगा, टी वन टाइमर को सप्लाई मिलते ही उसी मोमेंट यहाँ से ब्रांच में क्यू जीरो डॉट वन मीन्स येलो लाइट ग्लो हो जाएगा और उसी समय ये हमारा टाइमर टी टू चलने लगा। ये टी टू टाइमर 10 सेकंड के लिए चलेगा, टी टू टाइमर 10 सेकंड चलने के बाद हमारा देखिए येलो लाइट ऑफ भी हो जाना चाहिए, ये बोला है। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन को भी देखते रहिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। देखिए आफ्टर डेट येलो लाइट ग्लो फॉर 10 सेकंड एंड गेट ऑफ, 10 सेकंड के बाद ऑफ हो जाना चाहिए। तो इसी के टाइमर से टी टू के टाइमर का मैं एनसी यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, एनसी यहाँ पे यूज कर लेता हूँ और इसकी एड्रेसिंग में टी टू दे देता हूँ और टी टू और टू टाइम इंटरप्रेस कर दीजिए। जैसे टी टू टाइमर एक्टिवेट होगा इसका एनसी मैंने यूज किया एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा और क्यू जीरो डॉट वन को ऑफ कर देगा जो हमारा येलो लाइट है। अब मैं अगेन नेटवर्क 4 यूज करूंगा, नेटवर्क 4 किस लिए यूज करूंगा, अब हम नेटवर्क 4 का यूज एज ए ग्रीन लाइट की तरह करेंगे, ग्रीन लाइट के लिए यूज करेंगे। एक मैं और आपको इसके ट्रिक बता देता हूँ, अगर आप यही नेटवर्क सेम टू सेम मैं यहाँ पर प्लेस करूंगा, सेम टू सेम यही फॉर्मेट रहेगा बट एड्रेसिंग चेंज रहेगा, तो अगर आप यहाँ पे इसको पुट करना चाहते हैं तो इसको ऐसे करके आप कॉपी भी कर सकते हो, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर दीजिए और नेटवर्क 4 को सिलेक्ट कीजिए और नेटवर्क 4 में कंट्रोल प्लस भी प्रेस कर देंगे तो ये सेम टू सेम नेटवर्क कॉपी होकर यहाँ पर आ जाएगा। बट ये हमारे ग्रीन लाइट के लिए होना चाहिए, तो सेम एड्रेसिंग तो होगा नहीं क्योंकि ये भी येलो लाइट के इंडिकेट कर देगा। तब देखिए जैसे ही हमारा टी टू टाइमर एक्टिवेट होगा तो टी टू टाइमर की मैं एड्रेसिंग यहाँ पे दे दूंगा, मैं कॉपी और पेस्ट करके मैं बताया हूँ, एक ये भी आप पॉइंट को जान जाइए ताकि आपको आइडिया लगे। टी टू टाइमर की हेल्प से मैं एक टी टी थ्री टाइमर यूज करूंगा जो हमारा ये ग्रीन लाइट के लिए होगा, टी थ्री टाइमर यूज कर लूंगा, तो टी थ्री ओके कर दीजिए। टी थ्री ये हमारा टाइमर कितने सेकंड के लिए ऑन होना चाहिए, यहाँ पे देखिए टी थ्री जो हमारा टाइमर क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए ग्रीन लाइट ग्लो फॉर 15 सेकंड, तो हमारे जो टी थ्री टाइमर यूज करेंगे उसमें प्रीसेट वैल्यू हम 15 सेकंड के लिए देंगे, तो यहाँ पे मैं एडिट करके यहाँ पे 15 सेकंड लिख देता हूँ और 15 सेकंड लिख देता हूँ। देखिए ये 15 सेकंड और टू टाइम इंटरप्रेस कर दीजिए। अब देखिए जैसे ही टी थ्री टाइमर 15 सेकंड के बाद एक्टिवेट होगा तो मैं इसका एनसी यहाँ पे भी यूज करूंगा, टी थ्री में यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको कॉपी पेस्ट का भी आइडिया लगे कि कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं एड्रेसिंग क्यू जीरो डॉट वन और क्यू जीरो डॉट टू में 2 कर देता हूँ और इसको मैं ग्रीन लाइट बोलूंगा। देखिए यहाँ पे मैं इसको नेटवर्क 4 में कमेंट लिख देता हूँ और Q0.2 को ग्रीन लाइट बोलता हूँ, जी आर डब्ल्यू ग्रीन लाइट बोलूंगा और इसको टू टाइम इंटरप्रेस कर दीजिए। तो यही हमारा ये प्रोग्राम था, तो देखिए बट ये प्रोग्राम तो हमारा बन गया, लेकिन जैसे कि मैं आई जीरो डॉट प्रेस करूंगा एम जीरो डॉट ऑन हो जाएगा, उसके बाद ग्रीन रेड लाइट जलेगा, फिर येलो लाइट जलेगा, फिर ग्रीन लाइट जलेगा, बट ये प्रोसेस हमारा रिपीट होना चाहिए। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा रिपीट होना चाहिए। तो रिपीट होने के लिए एक बात को यहां से ध्यान दीजिएगा कि हमारा प्रोसेस जहां से स्टार्ट होता है वहीं से रिपीट भी करना होता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को अगर समझ रहे हैं तो ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन को रिपीट करना, तो रिपीट हम वहीं से करेंगे जहां से हमने क्वेश्चन को शुरू किया था। तो जैसे ही हमारा टी थ्री हमारा एक्टिवेट होगा 15 सेकंड के बाद, तो टी थ्री का यूज हम यहाँ पे नेटवर्क ऑफ 2 को आ जाइए, नेटवर्क 2 को सिलेक्ट कीजिए। नेटवर्क 2 में हमारा जैसे M0.0 ऑलवेज ऑन रहेगा क्योंकि मैंने होल्डिंग दे रखा, तो M0.0 के ऑन होने से 81 हमारा देखिए एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि ऑन डिले टाइमर जब तक मैं इसको ऑफ नहीं करूंगा ये हमारा टाइमर इनिशियलाइज नहीं होगा। इसका वेव फॉर्म यही बोलता है, जैसे कि मैं हमेशा से आपको वेव फॉर्म के बारे में समझाता आया हूँ, ये ऑन डिले टाइमर का वेव फॉर्म है, एक बार और समझिए। जैसे ही सेट को मैं ऑन करूंगा, इनपुट ऑन करूंगा, उसी समय हमारा टाइमर एक्टिवेट होगा और जो टाइमर की प्रीसेट वैल्यू है जो जितना मैंने दे रखा, सपोज मैंने 20 सेकंड दे रखा, तो 20 सेकंड के बाद ये हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा, मीन्स टाइमर एक्टिवेट रहेगा और ये टाइमर तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक मैं इनपुट को ऑन रखूंगा। जैसे ही मैंने इनपुट को ऑफ किया उसी समय हमारा टाइमर ऑन डिले टाइमर ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ऑफ हो जाता है। अगेन मैं इसको ऑन करना चाहता हूँ तो अगेन मैं इनपुट को ऑन करूंगा, यहाँ से अगर मैं इनपुट को ऑन करता तो अगेन हमारा आउटपुट ऑन हो जाता, मीन्स टाइमर ऑन हो जाता। तो सेम टू सेम यही मैं इसका फंक्शन यूज करूंगा, जो जैसे ही हमारा टी थ्री टाइमर एक्टिवेट होगा, ये हमारा जो टी थ्री टाइमर 15 सेकंड के बाद एक्टिवेट होगा, इसका मैं एनसी यहाँ पे यूज कर लूंगा, नेटवर्क 2 में एनसी मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा और इसके एड्रेसिंग T1 दे दूंगा, सॉरी इसकी एड्रेसिंग मैं T3 दे दूंगा और टू टाइम इंटरप्रेस कर दूंगा। ये T3 मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि ये
इसको T1 जो टाइमर है इसको डिसकंटिन्यूअस सप्लाई दे कुछ मोमेंट के लिए, उसके बाद ये हमारा एनसी है तो एनसी बना रह जाएगा और ये प्रोसेस रिपीट हो सकता है। तो T1-3 का यूज आप यहाँ भी कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ भी कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, ये प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। मीनिंग पार्ट रह गया, देखिए क्या है, देखिए रिपीट और अबव प्रोसेस अनटिल एनसी इज नॉट प्रेस, बोला रहा है एनसी मीन्स स्टॉप बटन को नहीं जब तक प्रेस करता है तब तक ये प्रोसेस रिपीट होना चाहिए। तो स्टॉप बटन के लिए हमको एनसी यूज करना पड़ेगा जी, तो मैं इसके लिए एनसी यूज कर लेता हूँ क्योंकि एक पॉइंट रह गया था। अगर ये प्रोग्राम रन होने लगा, इस प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो अगेन मॉनिटर ऑन ऑफ कीजिए, और ये नेटवर्क वन में जो नेटवर्क वन में M0.0 को कंटिन्यूस सप्लाई मिल रहा है इसी को मैं इसी पर मैं एनसी यूज कर लूंगा। यहाँ पे एनसी यूज करके इसकी पावर को कट करूंगा और इसके इसी से क्योंकि M0.0 से ही हमको सप्लाई T1 टाइमर को मिला, T1 टाइमर की हेल्प से T2 टाइमर मिला, T2 टाइमर की हेल्प से T3 टाइमर को मिला है, तो मैं इसीलिए M0.0 के मैं नेटवर्क वन में एनसी यूज करूंगा ताकि ये डिस्कनेक्ट कर दे M0.0 पावर को और हमारा आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो मैं इसकी एड्रेसिंग कर देता हूँ I0.1 और इसका यूज मैं एज ए स्टार बटन करूंगा। तो नेटवर्क वन में आप लिखना चाहते हो सपोज I0.0, इसको स्टार्ट बटन बोलना चाहते हो तो START स्टार्ट बटन बोल दीजिए और यहाँ पे एक कॉमा लगा दीजिए। I0.1 का यूज आपने किस लिए किया, I0.1 का यूज आपने स्टॉप बटन के लिए किया है तो स्टॉप लिख दीजिए, स्टॉप बटन, ठीक है, और इसको इंटर टू टाइम प्रेस कर दीजिए। तो आप देखिए नेटवर्क वन का जो कमेंट है ना, देखिए यहाँ पे लिखा है नेटवर्क टू, ये जो मैंने कमेंट लिखा है तो आप नेटवर्क वन में क्या क्या यूज किए हैं इसके बारे में कमेंट आप बता सकते हैं। नेटवर्क वन में नेटवर्क टू में क्या क्या यूज किए हैं उसके बारे में कमेंट लिख सकते हैं। ये जो कमेंट मैंने लिखा है ये देखिए OB1 ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक वन का ये जो कमेंट है ये बताएगा कि ये जो पूरा प्रोग्राम आपने किस लिए बनाया। तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख सकता हूँ कि सिंगल वे ट्रैफिक ला के लिए प्रोग्राम। तो यहाँ अगेन प्रोग्राम को मैं डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करने के बाद इसको मॉनिटर रन ऑफ करके इसको रन कर देता हूँ। ये हमारा प्रोग्राम रन होने लगा और इसकी वर्किंग को हम समझ लेते हैं I0.0 एज ए स्टार्ट बटन को ऑन करके। तो I0.0 के ए बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि अभी लिखा इनपुट बुलियन, तो I0.0 का जैसे ही मैं प्रेस करूंगा अगेन इसको मैं ऑफ कर दूंगा। इसके बाद इसकी वर्किंग को समझिए, जैसे मैं इनपुट को ऑन किया ये हमारा Q0.0 मीन्स रेड लाइट हमारा ऑन हो गया। रेड लाइट कितने सेकंड के लिए आने रहेगा, 20 सेकंड के लिए, तो 20 सेकंड के लिए टाइमर चल रहा है। 20 सेकंड टाइमर चलने के बाद हमारा देखिएगा 20 सेकंड टाइमर चलने के बाद हमारा ये येलो लाइट ग्लो हो जाएगा, ठीक है। 20 सेकंड टाइमर चला, ये 20 सेकंड टाइमर चलने के बाद हमारा रेड लाइट Q0.0 ऑफ हो गया, उसी मोमेंट हमारा येलो लाइट Q0.1 ऑन हो गया है और टाइमर चल रहा है 10 सेकंड के लिए चलेगा। 10 सेकंड चलने के बाद देखिए Q0.1 मीन्स जो येलो लाइट है वो ऑफ हो गया है। अब हमारे यहाँ पर नेटवर्क 4 में देखिए ग्रीन लाइट ग्लो हो रहा है, Q0.2 ग्लो हो रहा है, ये ग्लो 15 सेकंड के लिए ग्लो होगा और ये प्रोसेस रिपीट होते रहेगा। देखिए देखिए ये ऑफ हो गया, अगेन आप ऊपर चले जाइए यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस रिपीट हो गया, अगेन हमारा ये रेड लाइट ग्लो हो गया, रेड लाइट ये 15 सेकंड के लिए ग्लो होगा, उसके बाद येलो लाइट ग्लो होगा, फिर इसके बाद हमारा ग्रीन लाइट ग्लो होगा। तो एक बार और आप इस प्रोसेस को देख लीजिए, 15 सेकंड होने दीजिए, देखिए हमारा रेड लाइट ऑफ हो गया, अब येलो लाइट ग्लो हो गया, येलो लाइट ग्लो होने का 10 सेकंड के लिए ग्लो होगा, 10 सेकंड के बाद फिर अगेन मेरा ग्रीन लाइट ग्लो होगा, ग्रीन लाइट ग्लो हो गया। देखिए अभी हमारा ये जो रेड लाइट ऑफ है अभी ये प्रोसेस रिपीट होगा, देखते रहिए बस आप, 15 सेकंड होने दीजिए। देखिए जैसे ही 15 सेकंड हुआ हमारा देखिए रेड लाइट ग्लो हो गया, तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। ये कब तक रिपीट होता रहेगा, जब तक मैं इसमें एनसी नहीं प्रेस कर देता हूँ। जो नेटवर्क वन में मैंने एनसी यूज किया था I0.1, जब तक इसको मैं प्रेस नहीं करूंगा तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो देखिए I0.1 को मैं जैसे ही प्रेस करूंगा, I0.1 को मैंने प्रेस किया, पूरा ऑफ पावर, हमारा जो भी आउटपुट है वो ऑफ हो गया। तो ये हमारा सिंगल वे ट्रैफिक लॉ का प्रोग्राम था दोस्तों। इस प्रोग्राम को आप ऐसे भी सॉल्व, एस पल्स इंस्ट्रक्शन और एक्सटेंडेड पल्स टाइमर के यूज करके ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर का मींस ऑफ डिले, देखिए ऑफ डिले जो टाइमर होता है इसका यूज मैं ऑन डिले टाइमर का, जहां मुझे ऑफ डिले टाइमर का यूज करना होता है वहां पे मैं ऑन डिले टाइमर का भी यूज करके उस एप्लीकेशन को बना सकता हूं, उस एग्जांपल को सॉल्व कर सकता हूं। इसलिए मैक्सिमम लोग जहां ऑफ डिले का भी यूज होना होता है वहां पे मैं ऑन डिले टाइमर का यूज करके प्रोग्राम को हम बना लेते हैं। तो आप इसको बॉक्स टाइप इंस्ट्रक्शन का भी यूज करके इस प्रोग्राम को पूरे को बना सकते हैं। मैंने कॉइल टाइप इंस्ट्रक्शन का यूज करके मैंने बनाया ताकि आपको इसका भी आइडिया लगे। दोस्तों आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और हम ये सीखेंगे कि इससे भी डिफिकल्ट प्रोग्राम को कैसे हम सॉल्व करते हैं
और कुछ मैं पल्स टाइमर यूज करूंगा जिसमें हम पल्स को जनरेट करते हैं। जैसे ही मैं स्टेपर और सर्वो मोटर को ऑन करना होता है तो उस समय पल्स की आवश्यकता पड़ता है, तो पल्स को हम कैसे टाइमर के थ्रू ऑन कर सकते हैं, मीन्स टाइमर के माध्यम से कैसे पल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।